जय श्री राम उन सभी भाइयों को, उन सभी बहनों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ साथ हम भी आपकी तैयारी को सुजग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपनी तरफ से अधिक प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अंतिम 20 दिन की तैयारी, या कहें जब आपके पास थोड़ा समय की जो है कमी है, उस समय में हम कैसे अपनी तैयारी को एकदम अच्छे से कर सकते हैं और कैसे कम दिनों में हम अपनी पूरी चीजों को पढ़ सकते हैं। आज ये संपूर्ण विषय इसी पर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कहां से पढ़ना है, इन तीनों सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। आप देख सकते हो हमने पीपीटी पूरी कन्वर्ट की हुई है कि परीक्षा का पूरा स्वरूप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर के हर चीज, हर एक डिटेल आपको यहां पे देखने को मिलेगी। और आपकी इस बात की गारंटी लेता है कि अगर आप इन चीजों को करते हो ना तो आप कट ऑफ की मार्क को पार करने में सफल रहोगे। और इसीलिए अंतिम के 20 दिन की तैयारी कैसे करें, एक एक सब्जेक्ट को हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। टोटल 60,244 पद है मेरे दोस्तों। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होना तय है। तो आइए देख लेते हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहां पढ़े। पर इससे पहले यह जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। जी दोस्तों, अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिलें अपने आप मिल जाती हैं। और इसी क्रम में परीक्षा का जो स्वरूप है वो कैसा रहने वाला है, इस प्रश्न पर हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है, तो कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो रहने वाली है 150, यानी 150 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा और आपके जो टोटल अंक हैं जो आपके परीक्षा में आपको मिलेंगे वो होंगे 300, यानी 150 क्वेश्चन पे 300 अंक मिलने वाले हैं। सर क्या निगेटिव मार्किंग आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की पेपर में? जी हाँ दोस्तों, निगेटिव मार्किंग 0.5 की या कहें 1/4 की, यानी आपके 4 प्रश्नों को गलत करने पर एक प्रश्न आपका जो है वो गलत कर दिया जाएगा। नहीं, 4 प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका, सॉरी 2 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि इसमें, ठीक है। विषय और देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, प्रत्येक विषय का वेटेज क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के आपकी पेपर में। तो 4 विषय मुख्यतः पूछे जाते हैं दोस्तों, हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीके, ठीक है। हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीके आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी विषय में आपसे कुल 37 प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जामिनेशन में। और रीजनिंग से आपके 56, सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का रहने वाला है, जिसमें अल्फाबेटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर, व्हील डायग्राम, सीरीज, बहुत सारी चीजें के बारे में हम विस्तार से आगे देखते हैं अभी तुरंत, ठीक है। और गणित से आपके सबसे कम 19 से 20 प्रश्न रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो इस चीज को पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जीके में आपके 38 प्रश्न रहने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके का कंप्लीट जो वीडियो था वो हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसपे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी का कंप्लीट स्टैटिक जीके, जिसमें प्रमुख बांध, प्रमुख जो हमारे उद्यान है, हमारे जो पशु हैं, जाति हैं, उसके नृत्य हैं, उन सारी चीजों को हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो प्रश्न आपके कितने जीके से आने वाले हैं दोस्तों, 38 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। तो ये था आपका परीक्षा का प्ररूप, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारांश। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अन्य सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ नहीं बना सकते। और इसीलिए आपके लिए हम हर प्रत्येक सेक्शन का एनालिसिस करके फिर दोस्तों 2019, 2018 और 2017 के पेपर पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद हम इस सारांश को लेकर के आ गए हैं कि प्रत्येक सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में और कितना किस प्रश्नों का वेटेज रहने वाला है। दोस्तों इसके बारे में भी आपको इसी जगह पे जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारांश। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमारा सारांश रहने वाला है उसको देख लेते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं या आएंगे दोस्तों, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है हिंदी। हिंदी विषय जो है सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी विषय में ये जो आपके सामने हमने दिया हुआ है ये टॉपिक्स, उनके साथ में कुछ अंक दिए हुए हैं तो वो ये हमें दर्शाते हैं कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, अनेकार्थी शब्दों से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, कारक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, क्रिया से दोस्तों क्रिया से जो है आपके 1 प्रश्न, सर्वनाम से 1 प्रश्न, रचना के आधार पर आपसे जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी विषय में वो आपके कितने थे,
तीन थे, ठीक है। पुरस्कार आपसे पूछे गए, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया या अन्य हिंदी साहित्य में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है वो कितने थे आपके, एक थे। गद्यांश से सर्वाधिक यानी 6 प्रश्न दिए गए थे। आपके सामने एक अपठित गद्यांश दिया हुआ होता है जिसके आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। दोस्तों ये पेपर का जो पैटर्न रहने वाला था उसमें से ये सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन का वेटेज करता है गद्यांश सेक्शन। योजक चिन्हों से आपके एक प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, ठीक है। योजक चिन्ह से आपके एक क्वेश्चन, पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन और उपसर्ग से भी आपके एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले हिंदी टॉपिक के प्रत्येक प्रश्नों का सारांश कि आपको प्रत्येक विषय में कितने में से कितना पूछा गया है, ठीक है। तो ये हिंदी का टॉपिक था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारे पास आ जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है हमारा गणित का सेक्शन, ठीक है दोस्तों, जो हमारे गणित का सेक्शन है। अब इसको हम देख लेते हैं कि प्रत्येक जो टॉपिक्स हैं उनसे कितना नंबर आता है। नंबर सिस्टम यानी दोस्तों अगर अंकों की बात करें, यानी कि आपको साधारण सा जोड़ घटाना, बर्ड मास के नियम, इन चीजों से जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या थी वो 3 थी, ठीक है। स्क्वायर रूट यानी किसी का वर्गमूल हो गया, ठीक है दोस्तों, वर्गमूल हो गया या किसी शब्दों का वर्ग निकालना है। इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके टोटल प्रश्न थे वो कितने थे, 1 प्रश्न था दोस्तों। सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी किसी भी चीज का पेरीमीटर, आयात निकालना, या कहिए किसी भी फिगर का जो डायग्राम है वो पूछ ले आपसे, इन चीजों से जो आपके गणित में पूछे गए प्रश्न थे वो 1 थे, ठीक है दोस्तों। एक्स और वाई का वेरिएबल दोस्तों आपसे जो पूछा जाता है सर्वाधिक वेटेज रहने वाला है गणित के सेक्शन में, आपको दे देगा एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, और एक जगह और आपको वैल्यू दे देगा एक्स की वैल्यू 2 है और एक्स की वाई की वैल्यू 3 है। इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये जो था आपका वेरिएबल्स से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एड और सब्ट्रैक्ट से 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। एड और सब्ट्रैक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 प्रश्न पूछा जाता है। एलसीएम और एचसीएफ, लसअपा मसअपा से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 प्रश्न। परसेंटेज यानी आपके प्रतिशत से 1 प्रश्न। एसपी और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से जो आपका दोस्तों प्रश्न कितने पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम और डिस्टेंस से 2 प्रश्न। एसआई और सीआई यानी सब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका होता है उससे आपका, यानी यह ब्याज के बारे में बात करता है ना, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, उससे आपका 1 प्रश्न बनेगा दोस्तों। एवरेज से आपका जो है 1 प्रश्न। रेशियो और प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न। तो ये वो प्रश्न है या प्रश्नों की संख्या है जो कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में गणित विषय में आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा परिश्रम अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के किसी सेक्शन में करना है तो वो यही सेक्शन है, यानी जनरल नॉलेज का सेक्शन है। इसमें दोस्तों अगर आप इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें, बड़े पैमाने पर देखें तो आपका पॉलिटी में जो आपका आता है वो 9 प्रश्न आते हैं दोस्तों। 9 प्रश्न आपके पॉलिटी यानी आपके राजनीतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं। इतिहास से हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल से हमसे 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से हमें 2 क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी यानी जो हमारी आज की औद्योगिकी है उससे रिलेटेड हमसे 2 क्वेश्चन। मिसलिनियस यानी अन्य टॉपिक की, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है, सबसे बड़े प्रमुख कौन है, इन चीजों से आपके सबसे सर्वाधिक 14 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक इससे 14 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब तो ये हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन की हमारे इन टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछेगा। असल में टॉपिक्स या जो प्रीवियस ईयर में 2017, 2018 और 2019 में जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से थे तो देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में 1 प्रश्न चेयरमैन का था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से था, मुगल डायनेस्टी से, म्यूजिक जो कि क्लासिकल म्यूजिक से संबंध रखने वाला था उससे पूछा गया था, बैंक से, सिविलाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, प्लेसेस से, कॉन्फ्रेंस से, ट्रेंड्स डेवलपमेंट, बायलेटरल मल्टीलेटरल डील, पुलिस अकेडमी से रिलेटेड भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के इन पेपर्स में था देखने को मिला, स्टेट असेंबली से रिलेटेड, बायोलॉजी और जो जिसमें कि एरिटम के बारे में पूछा, आरटीएम के बारे में पूछा गया था, गैल्वनाइजेशन के बारे में, कार्बन मॉलिक्यूल के एटम्स, बेस्ट क्वालिटी के कोल कौन से होते हैं, पॉलीमर्स और आईआईटी के समय इस संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे गए थे, यूपीपीआरबी जिसमें कि रनिंग डिटेल पूछ लिया गया था दोस्तों, बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया था कि कितना टाइम में कितनी किलोमीटर दौड़नी पड़ती है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में ये आपके पेपर में पूछ लिया था कि आप कितना इससे अवेयर है अपने सिलेबस से, ठीक है। गवर्नमेंट
गवर्नर उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जीआई और टैग वगैरह मिले थे, वो बैटल्स जो लड़े गए थे डिस्ट्रिक्ट और प्रोडक्ट्स के बारे में, डांस के बारे में, रामायण महाभारत के बारे में, नोबल पुरस्कार संबंधित, ऑटोबायोग्राफी संबंधित, अवार्ड संबंधित, 2018 के जो प्राइजेस मिले थे ना, 2019 में जब ये पेपर आया तो जो 2018 में जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे इस वर्ष का जो हमारे भारत रत्न है वो किसको दिया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, सोशलिस्ट थे, उनको दिया जा रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान देते हुए चलना है। टेक्नोलॉजी से प्रश्न था, प्लेसेस, फॉल्स टूरिज्म प्लेसेस या जो कैपिटल टूरिज्म प्लेसेस होती है जहां पे सर्वाधिक लोग जा करके टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देते हैं उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेशनल या स्टेट कैपिटल, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सी और जो उसके बाद में आपका समुद्र, ओशियन संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। कंट्रीज जो कि उस समय न्यूज में थी, जैसे आज के टाइम पर रसिया और यूक्रेन है, ठीक है, क्रीमिया का संबंध में हो गया, हमास हो गया, पैलेस्टाइन हो गया, इन संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स की लिस्ट पूछा गया था, उस वक्त पूछा गया था कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, वो प्रश्न था। फिर उसके बाद आपका करंट अफेयर्स में आपके जो मतलब चीजें थी वो पूछी गई थी। उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी से प्रश्न था, ट्रेडिशनल ड्रेस और डांस से प्रश्न था, बुक और ऑथर से था प्रश्न। तो दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो, ज्यादातर जो इसका जो वेटेज था ना, वो आपका क्या रहने वाला है, लगभग आपका दोस्तों, लगभग आपका 75% जो रहने वाला है ना, वो स्टैटिक जी के रहने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के आपके पेपर में। 25% या उससे कम दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, करंट अफेयर रहने वाला है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए स्टैटिक जीके हो जाता है। तो दोस्तों जीके के सेक्शन के बाद अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले सेक्शन की, रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 56 प्रश्न, कुल 56 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी भर्ती आई है उसमें पूछे जाएंगे। लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप एनालिसिस करोगे तो टोटल आपके कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 56 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब इसमें सीरीज बनाने के लिए दे देता है, जैसे आपको दे देगा ए बी स्पेस छोड़ करके डी। अब आपको यहाँ पे जैसे पता है कि इस ऑप्शन में आपके, ठीक है, ऐसे चार ऑप्शंस आपको दे देगा, उसमें बोल देगा सी बी डी ए। अब यहाँ पे जो सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना होगा। तो इसी तरीके से आपका सीरीज दे देता है, ठीक है। तो आपको सीरीज से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मिसिंग वैल्यू, आपको कोई एक अल्फाबेट दे देगा, उससे बोलेगा कि इसमें कौन सा स्थान होना चाहिए। जैसे अब अगर मैं आपको ए डबल पी एल ई दे दूं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है ना कि पी भरा जाएगा। तो इसी प्रकार के आपके मिसिंग वैल्यू के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है दोस्तों, 2। पेयर में, यानी कि आपके जो पेयर होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आपके 4 आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन से, यानी जो दिशा होती है कि राम श्याम के पूरब में बैठा हुआ है पर पूरब नीरज के यहाँ बैठा हुआ है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं डायरेक्शन संबंधित, दिशा संबंधित, इसमें आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन सारी चीजों को हमको देखते हुए चलना होता है ना। ये प्रश्नों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, इन प्रश्नों की संख्या होती है हमारी 4 आती है, ठीक है सब। और उसके बाद कंक्लूजन और स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और उसके नीचे कुछ रीजन बता देगा कि ये प्रश्न जो है, ये जो सेंटेंस है, क्या इसको ये सपोर्ट करता है, क्या इसको ये अपोजिट करता है, उसके विलोम में बोल रहा है, इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ये इन प्रश्नों की संख्या कितनी है, 3। अब ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर जिसको बोलते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि जो, जैसे कि सी लिख दिया उसके बाद ई लिख दिया, तो आप समझ जाओगे ना कि सी के बाद डी को छोड़ करके ई लिखा है। तो इस टाइप के प्रश्नों से आपके जो मतलब आने वाले संख्याएं हैं वो 2 है, ठीक है। रिलेटेड वर्ड से दोस्तों आपके संबंधित कितना है, जैसे कि आपसे बोल देगा कि मतलब टाइगर, एलिफेंट, हॉर्स और एक दे देगा कैमल, पूछ देगा इनमें से सबसे अलग कौन सी है, उन चीजों को आपको सेलेक्ट करके वहां से ऑड वन आउट करना पड़ता है। इससे जो आपके प्रश्नों की संख्या बनती है वो 2 है, ठीक है। सीरीज कंप्लीट करने के जो प्रश्न होते हैं ना, उनसे 7 प्रश्न आते हैं, जैसे सीरीज की तरह ही होता है ये। कैलेंडर से 1 प्रश्न पूछा गया था। कोड लैंग्वेज में कोई चीज लिखी हुई होगी, आपको उसको डिकोड करनी होगी, जैसे आपको इस प्रकार हो जाएगा कि राम इज गुड और यहां बोल देगा अल बल कल, इसी संबंधित एक और प्रश्न दे देगा, उसमें से आपको छाट करके दोस्तों ये लिखना पड़ता है कि जो वो वर्ड है वो किस शब्द को दर्शाता है। तो इसी तरीके की चीजें जो आपके पूछ जाती हैं कोड लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों, कोड लैंग्वेज में इसी प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं। रिलेशन बिटवीन 2 फिगर्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ब्लड्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ब्लड बोल देगा कि राम श्याम का चाचा है, श्याम राम का, ऐसी रिश्तेदारी बता देगा आपको और बोलेगा कि आपको इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है दोस्तों। तो रिलेशन बिटवीन ब्लड के आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे।
फिगर जो था आपका वो 11 प्रश्न पूछे गए थे, यानी आपको इस तरीके के तीन फिगर दे देगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और अगला ऑप्शन जो होगा दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा। तो यही चार ऑप्शंस में आपको ये करके दे देता है, ठीक है। तो फिगर से सर्वाधिक 11 प्रश्न पूछे गए थे, कोड लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 प्रश्न पूछे गए थे इससे। वीन डायग्राम से आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। वीन डायग्राम आप जैसे कि आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको पता ही होगा, वीन डायग्राम से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। डिफरेंशिएशन ऑड वन आउट, जैसा अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, जो ऑड चीजें उसको बाहर निकालना, ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, वो आपके कितने प्रश्न है, 2 प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आपके 2 प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद मैथ से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, और डिसीजन मेकिंग कि आप इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इससे संबंधित 1 प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। अब तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सिलेबस चारों सब्जेक्ट का, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया ना कि चीजों को क्या पढ़ना है, हमें पूरा सिलेबस पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा मतलब पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वो क्या रहने वाला। तो हमें ये पता चल चुका है कि क्या पढ़ने, अब बारी है कैसे पढ़ने की, कि पढ़े कैसे इन चीजों को, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे पढ़े। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारांश हमें मिल चुका है, इसी आधार पर प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। दोस्तों हमें प्रीवियस ईयर का जो पेपर अभी डिस्कस किया उसके आधार पर हमें ये पता लग चुका है कि सर्वाधिक पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो कौन है, ठीक है। उसी आधार पे हमको अपनी पढ़ाई करनी है कि हम उसी आधार पे उन चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हमारा सारांश निकल करके आया है उसी आधार पे हम अपने मटेरियल को डिसाइड करेंगे, ये हमें मैं पता चल गया, और उसी से संबंधित प्रश्न लगाने हैं, ठीक है। उसी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आप लगाएंगे। गणित विषय में प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स, देखिए अगर आप गणित कर रहे हो ना, अगर आप गणित विषय लगा रहे हो तो गणित विषय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ बन जाता है तो वो हो जाता है कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो तो उससे संबंधित प्रश्न यानी जो आपके क्वेश्चंस हैं फिर उनको आप लगाओ, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर ले रहे हो, टॉपिक्स पता चल जा रही हैं, टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो और उसके बाद आपको उनसे जुड़े प्रश्नों को लगाना है। उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जीके पढ़ना है, जिसमें लोक नृत्य, महत्वपूर्ण जनजातियां, नदियां, उत्तर प्रदेश का भूगोल, राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था तथा तत्कालीन गवर्नमेंट पदों पर उपस्थित महत्वपूर्ण लोगों के नाम तथा अन्य संबंधित टॉपिक को पढ़ना है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अपडेटेड हैं तो आपको बता होगा, इससे पहले मैंने एक महामैराथन क्लास चलाई थी उत्तर प्रदेश कंप्लीट स्टैटिक जीके की, जिसमें मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों का एक संलग्न बनाया था, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर कंप्लीट महामैराथन चलाया था, जिसमें मैंने पूरे जीके को कवर किया था। तो आप जाकर के वहां से जीके आप पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, और उसी से संबंधित बहुत सारी अन्य जानकारियों को आप लूसेंट जैसी किताबों से जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगला देख लेते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान रीजनिंग पर, ठीक है। सबसे ज्यादा ध्यान किस विषय पर देना है, रीजनिंग पर। ये टोटली कॉन्सेप्ट पर बेस है और नए ट्रेंड के हिसाब से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों, नए ट्रेंड के हिसाब से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको रीजनिंग पर 56 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग आपको किस प्रकार से तैयार करनी है। तत्पश्चात हिंदी एवं जनरल नॉलेज से 37 एवं 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन पर भी आपको मुख्य ध्यान देना है, और उसके बाद में गणित से आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्केट में उपलब्ध उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से संबंधित टेस्ट सीरीज को भी आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रश्नों के जो पैटर्न है और अच्छे से समझ में आए, तो आप जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल संबंधित विभिन्न कोचिंग है जो कि टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहां से भी जाकर के उनके टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। प्रत्येक विषयों के कॉन्सेप्ट तथा उनसे जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करना अधिक आवश्यक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ ले रहे हो और उससे जुड़े प्रश्नों को नहीं लगा रहे हो या उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपको प्रत्येक विषयों के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना तथा उनसे जुड़े प्रश्नों को रिवाइज करना है। जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट पब्लिकेशन की तथ्यात्मक पुस्तक जो है वो अच्छी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण जीके के तथ्य आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे भी, जैसा मैंने बताया। उत्तर प्रदेश संबंधित अन्य तथ्यात्मक जानकारी के लिए इंटरनेट तथा यूट्यूब की सहायता आप ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे जिन्हें हमने अभी पढ़ा या उनसे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस तथा आप संबंधित उनके बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी पढ़ना अनिवार्य है, यानी जिनको अभी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया उन टॉपिक्स को आप जाकर के यूट्यूब या इंटरनेट की माध्यम से पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्न लगा सकते हो। गणित के लिए RS अग्रवाल की किताब, जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, इनसे जुड़े तथ्यात्मक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप यूट्यूब अथवा गूगल का सहारा ले सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं, कम समय में अधिक तैयारी करने का केवल एक ही मूल मंत्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस और जिन टॉपिक्स से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका रिवीजन। तो यही आपका मूल मंत्र रहने वाला है।
पेपर्स की देखें तो इस एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है, यानी इजी टू मॉडरेट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आसानी से अच्छी तैयारी करके निकाला जा सकता है। दोस्तों आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छी से तैयारी करिए। ये वो तीन किताबें हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, लूसेंट पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान, और तर्कशक्ति परीक्षक जो कि आपकी हिंदी मीडियम की रीजनिंग की बुक है सेम पब्लिकेशन की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, और हमें भी इस बात का विश्वास दिलाइए कि आप सब लोग कहीं पे भी रह करके अपनी तैयारी को सजग कर सकते हैं और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके अपना स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।